नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में, हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, दिल्ली से बड़ी खबर जहां पर फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। गोलीकांड में मृतक की पहचान हो गई है, अमन के तौर पर मृतक की पहचान की गई है। ट्रैप के तहत अमन को बुलाया गया था, यह भी साफ हुआ है, पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई है। मौके से गायब लड़की पर भी शक लगातार अब गहराता जा रहा है और इस लड़की की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। अशोक प्रधान गैंग से अमन ताल्लुक रखता था, अमन पर मुखबिरी करने का भी आरोप बताया जा रहा है। बड़ी खबर फायरिंग मामले को लेकर के दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आ रही है। राजौरी गार्डन में फायरिंग हुई थी और गोलीकांड में एक युवक की मौत हो गई। इस युवक की पहचान अमन के तौर पर की गई है। तो एक लड़की जो मौके से गायब है उस पर अब शक की सुइयां गहराती जा रही हैं और इस पूरे मामले में जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। लिखा है कि 14 के बदले 40 घाल दी, गिनती कर लियो। और इस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए ये सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। राजौरी गार्डन दिल्ली में जो हत्या हुई उसकी जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ की तरफ से लेने की बात सामने आई है। ताबड़तोड़ फायरिंग से थर्राई दिल्ली। बर्गर की दुकान पर गैंग वॉर। विदेश से आया ऑर्डर, दिल्ली में मर्डर। मंगलवार को रात 9:30 के आसपास दिल्ली का राजौरी गार्डन इलाका कई राउंड फायरिंग से कांप उठा। बर्गर शॉप में एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसे मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस जब ये सब कुछ समझने की कोशिश में थी कि आखिर इस वारदात के पीछे कौन है, तभी सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट ने पुलिस के कान खड़े कर दिए, क्योंकि इस पोस्ट में वारदात की जिम्मेदारी हिमांशु भाव और नवीन बाली गैंग ने ली है, जो विदेश में बैठकर अपने नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। हिमांशु भाव गैंग को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग का विरोधी बताया जाता है। इस गैंग की ये कोई पहली वारदात नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में ये गैंग फिरौती की डिमांड करता है और मांग पूरी नहीं होने पर गैंग के गुर्गे या तो फायरिंग करते हैं या फिर किसी की भी जान के दुश्मन बन जाते हैं। यही वजह है कि पुलिस एक एक कड़ी को खोलने में जुट गई है। टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम के एग्जामिनेशन में उसमें तकरीबन 10 या उससे ज्यादा राउंड फायर हुए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। उस व्यक्ति की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए और बाकी जो लोग जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनकी पहचान करने के लिए टीमों का गठन करके और हम लोग उस पर काम करें। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस पोस्ट में साफ कहा गया है कि इस वारदात को एक बदले के रूप में अंजाम दिया गया है और आगे भी ये जारी रहने वाला है। इसलिए पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती इस बात की है कि वो इस मामले के आरोपियों तक कितनी जल्दी पहुंचती है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सोपोर में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सोपोर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ये आतंकी लगातार यहां पर इधर उधर घूम रहे थे और इन आतंकियों की तलाश सेना की तरफ से लगातार की जा रही थी। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर है, इससे पहले यह अलर्ट भी जारी किया गया था कि काफी तादाद में जो आतंकी है वो सीमा पार से इस इलाके में घुस आए हैं। उसके बाद से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सोपोर में 2 आतंकियों को सेना ने ढेर किया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी सुरक्षा बलों का इलाके में जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इन आतंकियों ने कई बड़े जो है अब वो वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें रियासी में भी बस पर हमला किया गया था, उससे पहले जयपुर के एक दंपति पर हमला किया गया था इस तरह से। और इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर, सोपोर में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं।
और इसी बीच अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, सब्जी मंडी में मांस के टुकड़े फेंकने को लेकर बवाल हुआ है। गुस्सा है, लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, भीड़ को खदेड़ा है। मौके से पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया। गुस्साई भीड़ की तरफ से पुलिस पर पथराव करने की जानकारी सामने आ रही है। पथराव में पुलिस विभाग का एक ड्राइवर भी घायल हुआ है। अलग अलग दो तस्वीरों के जरिए ये पूरा मामला आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर पूरे बाजार को बंद करवाने के लिए संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। सब्जी मंडी में हिंदूवादी संगठनों का ये विरोध प्रदर्शन, जहां बाजार में सरेआम मांस फेंकने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए लाठियां भाजी, लाठी चार्ज किया, जिससे गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया है। बाजार को बंद करवा दिया गया। पथराव के बाद एक बार फिर से लाठी चार्ज किया गया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो भीड़ है, प्रदर्शनकारी है, उनकी तरफ से नारेबाजी भी की गई है, विरोध प्रदर्शन किया गया है। और इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने लाठियां भांज करके भीड़ को तीतर बीतर किया है। वहीं जानकारी यह भी मिल रही है कि पुलिस का एक ड्राइवर जो है वो जख्मी हुआ है पत्थर लगने से। इस वक्त की यह सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किशनगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर लगातार जो मांस फेंकने का मामला है वो तूल पकड़ रहा है। लोग आक्रोशित हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर के बाजार में प्रदर्शन किया जा रहा था, तभी भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए लाठी चार्ज किया। इसी दौरान ये खबर है कि भीड़ की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया। तो कहीं आइसक्रीम में उंगली मिल रही है तो कहीं कनखजूरा। मुंबई में पिछले हफ्ते आइसक्रीम के एक कोन में इंसानी उंगली मिली थी और अब इसमें नया अपडेट सामने आ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आइसक्रीम की कंपनी के कर्मचारी की उंगली बताई जा रही है। फॉरेंसिक लैब में सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। पिछले हफ्ते मुंबई में आइसक्रीम में मिली कटी उंगली की हर तरफ चर्चा जोरों पर है। इस घटना के बाद से ग्राहकों का भरोसा हिला जरूर है, क्योंकि डिजिटल जमाने में वक्त बचाने के लिए लोग घर बैठे बैठे अपने फोन पर कमांड देकर ऑनलाइन सामान मंगाते हैं। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सवाल तो उठते ही हैं। मुंबई के मलाड में एक परिवार ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी, लेकिन उसमें से इंसानी कटी उंगली मिली। अब इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आइसक्रीम में पाई गई उंगली फैक्ट्री के स्टाफ की ही है। पुलिस ने जांच में पाया कि पुणे में यमो आइसक्रीम की फैक्ट्री में एक कर्मचारी की उंगली में चोट लग गई थी, जिससे उंगली आइसक्रीम में गिर गई। ये भी कहा जा रहा है कि जिस दिन आइसक्रीम डिलीवर की गई थी उसी दिन फैक्ट्री से पैकिंग हुई थी। फिलहाल पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब में नमूने भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ये पुष्टि हो पाएगी कि उंगली कर्मचारी की है या फिर नहीं। फिलहाल फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का इंतजार है। आइसक्रीम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। गर्मी में तो इसकी डिमांड और बढ़ जाती है, लेकिन इस वाक्य के बाद में मुंबई में रहने वाले जिस परिवार ने आइसक्रीम मंगाई थी वो तो ठगा का ठगा रह गया। आइसक्रीम तो इसलिए मंगाई थी कि पूरा परिवार उसका लुत्फ उठाएगा, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। मुंबई के मलाड के रहने वाले ब्रेडन फेराओ ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी और डिलीवरी एप्लीकेशन के जरिए घर के दूसरे सामान भी मंगाए थे। उसी में बटर स्कॉच कोन की 3 आइसक्रीम भी थी, लेकिन जब उन्होंने घर पर आइसक्रीम का कोन खोला, आधी आइसक्रीम खा ली, बाद में उंगली देखकर होश उड़ गए। आइसक्रीम के अंदर करीब 2 सेंटीमीटर लंबी इंसानी उंगली थी। वहीं नोएडा में भी पिछले हफ्ते ऐसी ही घटना सामने आई थी। नोएडा के सेक्टर 12 में एक महिला ने वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम मंगाई, लेकिन जब आइसक्रीम का डिब्बा खुला तो घर में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। आइसक्रीम में एक कन खजूरा पाया गया। फिलहाल इस मामले ने भी तूल पकड़ा हुआ है। मुंबई और नोएडा में आइसक्रीम की इन 2 घटनाओं के जांच पड़ताल के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इससे आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियों की घोर लापरवाही जरूर उजागर हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब इस कातिल के बारे में आप सुनिए, जिसने अपनी मां की हत्या की, लाश को घर में गाड़ दिया और इसके बाद कब्र पर गद्दा रख दिया जिससे किसी को शक तक ना हो। यही नहीं, 3 दिन तक यह हत्यारा बेटा मां की लाश के साथ घर में रहा। आखिर क्यों रिश्तों की कब्र खुद गई, इस रिपोर्ट में देखिए।
पहले माँ का कत्ल, फिर लाश को उसने गाढ़ा। 5 दिन से दफन था खौफनाक राज। 3 दिन माँ की लाश के साथ कत्ल, घर में लाश, गद्दे से गुनाह छिपाया। बेटे की ये हैवानियत थर्रा देगी। पांच दिन से इस घर में एक लाश दफन थी। लाश के लिए कातिल ने घर में गड्ढा खोदा, लाश को दफन करके उस पर रजाई यानी कि गद्दा बिछा दिया, जिससे कि किसी को कोई शक न हो इस घर में कत्ल हुआ है। लेकिन वही राज इस घर में कुछ इस तरह से निकला। पहले गद्दे को हटाया गया, फिर जमीन पर फावड़ा चला, मिट्टी बाहर आई और लाश का राज भी। मंदसौर के भानपुरा थाना इलाके के कचहरी चौक में जो हुआ वो दिल दहला देता है। तो उसमें ये बात निकल के आई कि एक महिला को उसी के पुत्र ने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या की है और उसके शव को उसके अपने ही घर में गड्ढा खोदकर वहां पर गाड़ दिया था, ताकि जिससे किसी को पता नहीं चले। इसमें उसके द्वारा जो पत्थर था वहां पर मार के हत्याकारी पत्थर जो जो घर में उसने जो उसने जो जो बुजुर्ग महिला गंगाबाई की लाश को यहाँ दफन किया गया था। गंगाबाई का कातिल कोई और नहीं, उसका बेटा कमलेश है, जो हत्या के बाद 3 दिन तक अपनी माँ की लाश के साथ कमरे में मौजूद रहा, जिससे किसी को शक न हो। आरोपी है ये, मृतिका का जो लड़का है ये शराब बहुत पीता था, इसके कारण अधिकतर उसको उसकी माँ से झगड़ा होता रहता था। उस दिन भी उसके द्वारा जो घर पे आने के बाद उसकी माँ से इसी बात पर खास नहीं हुई, और क्योंकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी तो इस बात को लेकर भी वह कुंठित रहता था और अपनी माँ से झगड़ा करता रहता था। उसके बाद माँ के गुमशुदगी को लेकर मोहल्ले वालों और घर वालों को गुमराह करता रहा, लेकिन घर से आ रही बदबू से हत्यारे बेटे की हैवानियत की कहानी भी सामने आई। क्योंकि उसने उस दिन हत्या कारित कर दी अपने अपने साथी के साथ मिलकर, उसके बाद वो शव को दफना कर 2 से 3 दिन तक उसी घर में रहा। वो कहीं मजदूरी करने जो जाता था वो भी कहीं नहीं गया, 2-3 दिन तक अपने घर में ही रहा वो, ताकि किसी को पता नहीं चले वो योजना बनाते रहा आगे की। इसके बाद वो अपने रिश्तेदार में अपने मामा के यहाँ चला गया और फिर आया और फिर ये बात करने लगा सब दूर की मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। तो फिर ये उसने अपने एक योजनाबद्ध तरीके से उस घटना को दबाने का साबित किया। एक बेटा अपनी माँ से किस कदर नफरत कर सकता है, उसकी गवाही देती है ये तस्वीर। शराबी बेटा जिसकी शादी नहीं हुई तो जिम्मेदार माँ, माँ बीमार है इसके लिए भी माँ ही कसूरवार। माँ ने बेटे को शराब छोड़ने के लिए कहा तो भी वो बुरी हो गई। ये नफरत आरोपी बेटा कमलेश दिल में पाले हुए था। वारदात वाले दिन नशे में धुत कमलेश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर माँ की हत्या के राज को ऐसे दफन किया था। आरोपी है ये, मृतिका का जो लड़का है ये शराब बहुत पीता था, इसके कारण अधिकतर उसको उसकी माँ से झगड़ा होता रहता था। उस दिन भी उसके द्वारा जो घर पे आने के बाद उसकी माँ से इसी बात पर खास नहीं हुई, और क्योंकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी तो इस बात को लेकर भी वह कुंठित रहता था और अपनी माँ से झगड़ा करता रहता था। वह उसकी बहन की शादी भी उसकी इच्छा के विरुद्ध हुई थी तो इस चीज को लेकर भी वो काफी मनमुटाव रखता था। तो इस कारण उसकी माँ से लेकर उसका एक मनमुटाव हमेशा से बना रहता था। तो इसीलिए उसने गुस्से में आकर एक रखे कर घर से आ रही बदबू ने बेटे के वहशीपन की गवाही दी। मंदसौर में नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बाबा महाकाल के चरणों में भक्त रुपए पैसे सोना चांदी सब कुछ अर्पित करते हैं, लेकिन एक भक्त ने भगवान को चढ़ाए हैं 2 आम, लेकिन ये आम बेहद ही खास है। इनकी कीमत जानकर हर कोई हैरान है। एक आम की कीमत इतनी ज्यादा है कि उसमें कई क्विंटल आम खरीदे जा सकते हैं। इनमें से एक आम दुनिया का सबसे महंगा मैंगो मिजियाकी है। आखिरकार क्या है इन आमों की खासियत, इस रिपोर्ट में देखिए। रुपए पैसे सोना चांदी, बाबा महाकाल के चरणों में भक्त क्या क्या अर्पण नहीं करते। जबलपुर के एक भक्त ने बाबा को चढ़ाए हैं 2 आम, लेकिन आप आम की क्वांटिटी पर मत जाइए। इन आमों की क्वालिटी और कीमत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। संकल्प सिंह परिहार नाम के भक्त ने बाबा महाकाल को 2 आम अर्पित किए हैं।
इनमें से एक आम की कीमत है 90,000 रुपए और एक आम की कीमत 18,000 रुपए है। आम के सीजन में इतने रुपए में कई क्विंटल मैंगो तो मिल जाएंगे, तो भला ये कौन से आम है जो एक की कीमत 90,000 रुपए है। दरअसल ये कोई साधारण आम नहीं, दुनिया की सबसे महंगी आम मियाजाकी है और 18,000 वाली आम ऑस्ट्रेलिया की R2E2 आम है। ये आम क्यों आम नहीं है इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले जरा भक्त से जानते हैं आखिर क्यों उन्होंने बाबा महाकाल को आम अर्पित किए। महाकाल बाबा को हमारे यहाँ बगीचे में जो महाकाल बाबा की कृपा से मियाजाकी जो जापान का बहुत ही फेमस आम है और R2E2 ऑस्ट्रेलिया का आम है वो अर्पण करने आए हैं। प्रथम आम हमारे यहाँ का बाबा को ही अर्पित किया जाता है, बाबा की कृपा से ही बगिया में आम फल रहे हैं, तो हम आज यहाँ पर बाबा को अर्पण करके आप सबको नमन करता हूँ। जय श्री महाकाल। तो सुना आपने, इसलिए अपने बगिया की पहली आम बाबा महाकाल को अर्पित की है। इन्होंने अपने बगीचे में ही जापान की मियाजाकी और ऑस्ट्रेलिया की R2E2 आम उगाई है। इनका कहना है कि बाबा की कृपा से ही इनकी बगिया में आम होते हैं और यही वजह है कि ये पहला आम बाबा को अर्पित करते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर क्यों इतने महंगे हैं ये आम। बात अगर मियाजाकी आम की करें तो ये दुनिया का सबसे महंगा आम है। जापान के मियाजाकी शहर में उगाए जाते हैं। गर्म और धूप वाली जलवायु के लिए जाना जाता है मियाजाकी। तेज धूप और हल्की बारिश में बैगनी रंग का हो जाता है ये आम। 3,00,000 रुपए किलो तक बिकता है मियाजाकी आम। बेहद मुश्किल है मियाजाकी आम को उगाना। मियाजाकी में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, फॉलिक एसिड। मियाजाकी की तरह R2E2 की बहुत डिमांड है। ऑस्ट्रेलिया का ये आम भी बहुत ही महंगा बिकता है। यूं तो भारत में कई किस्म के आम मिलते हैं जो दुनिया में मशहूर है, लेकिन मियाजाकी आम की बात ही अलग है। अजय पटवा, News 18, उज्जैन। तो वहीं दिल्ली NCR में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, जिससे कई दिनों में से AC में धमाकों की खबर भी सामने आ रही है। यह सिलसिला लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए। सोसाइटी की इमारत को आग ने अपनी आगोश में लिया हुआ है। आग की लपटें दूर से ही देखी जा सकती हैं। रात के समय में सोसाइटी में रहने वाले लोग खौफजदा हैं। सभी अपने अपने घरों से नीचे उतर आए क्योंकि सोसाइटी के एक फ्लैट में AC में ब्लास्ट हो गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, जगह अलग अलग है लेकिन हर जगह एक ही घटना बार बार हो रही है और वो है AC में ब्लास्ट। ये नई घटना गाजियाबाद के वसुंधरा से आई है, जहाँ सेक्टर 13 की मर्लिन सोसाइटी की बिल्डिंग में अचानक AC में धमाका हो गया। इसके बाद तो फ्लैट में रहने वालों की जान पर बनाई, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। पूरी सोसाइटी को आग के बारे में पता चल चुका था। बिल्डिंग से निकलती आग की लपटों को देखकर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग अपना दायरा बढ़ाती जा रही थी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। दमकल की 6 गाड़ियों ने मोर्चा संभाला और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग नहीं बुझी तब तक सोसाइटी वाले खौफ में ही रहे। कहा जा रहा है कि आग ने फ्लैट के अंदर के सामान को भी अपनी चपेट में ले लिया था। काफी सामान जलकर नष्ट हो गया। मर्लिन सोसाइटी के फ्लैट नंबर 607 में AC फटने की घटना सामने आई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पिछले 1.5 महीने से आसमान से आग बरस रही है, सूरज झुलसाने पर उतारू है, गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। गर्मी का ऐसा उबाल है कि बिजली की डिमांड में भी इजाफा हो गया। ज्यादा बिजली की खपत होने से इसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि पिछले साल तक न तो ऐसी जलाने वाली गर्मी पड़ती थी और कुछ एक घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो ना ही AC ब्लास्ट की खबरें सुनने को मिलती थी, लेकिन इस बार तो एक सिलसिला चल पड़ा है। सबके मन में यही सवाल है कि आखिर बार बार AC क्यों फट रहे हैं। दिल्ली NCR में गर्मी इतनी पड़ रही है कि कूलर और पंखे हाफने लगे हैं।
जिससे ज्यादातर घरों में एसी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन एसी फटने जैसी घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। एसी के एग्जॉस्ट में ब्लॉकेज भी हो सकता है। सही समय पर मेंटेनेंस ना होना, खराब क्वालिटी वाले केबल और प्लग का इस्तेमाल करना, वोल्टेज में उतार चढ़ाव होना, एसी में गलत गैस का इस्तेमाल होना, एसी के अंदर कंडेंसर पर गंदगी जमा होने के चलते समस्या पैदा होती है। एसी में धमाके की घटनाएं परेशान करने वाली हैं, लेकिन सावधानी बरतते हुए इन हादसों को टाला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो उधर चीन के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश की वजह से कोहराम मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश की वजह से वहां अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दक्षिणी चीन में खासतौर पर भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई और कई इलाकों में पानी के तेज बहाव में पुल बह गए। इसका एक वीडियो सामने आया। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो अलग अलग तस्वीरें हैं। दक्षिणी चीन की ये तस्वीरें, जहां पर एक तस्वीर में आप देखिए कि कैसे जो पुल है वो पानी के तेज बहाव के आगे नहीं टिकता है, अचानक टूट गया, सैलाब में बह गया और लगातार बारिश की वजह से पुल के नीचे से बह रही नदी बेकाबू हो गई, पुल को बहा कर ले गई ये नदी। इसका असर यह हुआ कि उस इलाके का बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया। दक्षिणी चीन के दूसरे हिस्सों से जो तस्वीर सामने आई है वो भी कुछ अलग नहीं है। चीन के ग्वांगडोंग में जमीन खिसकने से 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग लापता हुए हैं। आपको बता दें कि एक जो पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है, ज्यादातर इलाके पानी से डूबे नजर आ रहे हैं। हालात इस कदर खराब हो गए कि हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। चीन में अब बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ की वजह से हालात काफी भयावह कई इलाकों में हो चुके हैं। मशहूर सिंगर अलका याग्निक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, इसके बाद से उनके फैंस काफी परेशान हैं। आखिरकार वो पोस्ट क्या है, क्यों परेशान है, आप भी देखिए। गायकी की दुनिया में अलका याग्निक का नाम काफी बड़ा है। काफी दिनों से उनकी कोई खबर नहीं आई है, सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी जानकारी साझा की है जिससे उनके फैंस को काफी धक्का लगा है। मशहूर प्लेबैक सिंगर ने बताया कि उनके साथ एक परेशानी चल रही है, रेयर न्यूरो डिसीज की वजह से वो सुन नहीं पा रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है जिसमें वो अपनी बीमारी के बारे में बता रही हैं। इतना ही नहीं, अलका ने अपने फैंस को तेज म्यूजिक सुनने से दूर रहने की सलाह दी है। सोमवार को उन्होंने ये पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरे सभी फैंस, दोस्तों, फॉलोअर्स और शुभचिंतकों के लिए, कुछ हफ्ते पहले मैं एक फ्लाइट से उतरी तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इस घटना के कई हफ्तों बाद थोड़ी हिम्मत जुटाकर अब मैं अपने दोस्तों और शुभचिंतकों को इस बारे में बता रही हूँ, जो मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ गायब हूँ। मेरे डॉक्टरों ने एक रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस की पहचान की है, जो मुझे एक वायरल अटैक की वजह से हुआ है। अचानक से हुई इस घटना ने मुझे शॉक कर दिया है। किसी दिन मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान पर बात जरूर करूंगी। आप सबके प्यार और सपोर्ट से मैं फिर से अपना जीवन पटरी पर लाने की उम्मीद करती हूं। अब अलका याग्निक जिस बीमारी का जिक्र कर रही हैं, वो बेहद ही चौंकाने वाली है। सवाल ये है कि म्यूजिक का शोर कानों पर ऐसा असर डालने लगा है कि सुनने में दिक्कत आ जाए। आज मैं बात करना चाहता हूँ सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस की। सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस का मतलब है कान में सुनाई कम देना नर्व की वीकनेस की वजह से। इस कंडीशन में आमतौर पे सडन हो सकती है या फिर ग्रेजुअल हो सकती है। सडन होती है तो हम उसे सडन सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। उसके कॉजेज में हम सबसे कॉमन देखते हैं वो वायरल इन्फेक्शन, ये कॉमन वायरसेस होते हैं और किसी को भी। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए प्रदेश की तमाम खबरें हर राजस्थान में हैं।